वर्धा जिला गांधी जी की पावन भूमि में आज के तारीख में कोरोना प्रकोप में लगभग महाराष्ट्र के सभी जिले आए हैं। कुछ जिले जो उंगली पे गिने जा सकते हैं जो कोरोना ग्रस्त नहीं, तब उसमें वर्धा जिला भी एक जिला है जिसे कोरोना ने अभी तक नहीं छुआ। वर्धा जिले के प्रशासन की कामयाबी, लोगों के सहयोग, यह अब तक की कामयाबी बोली जाएगी। जिले में अब तक कोरोना का मरीज नहीं है, यह सौभाग्य वर्धा जिला का है। आस पड़ोस के जो भी जिले है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसीलिए अब जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। जब जिले में आरवी के आमदार दादाराव केचे द्वारा अपने जन्मदिन पर अनाज बांटअप करने की भीड़ जुटाना, इस तरह की घटना जिले में हो रही है, उन पे गुनाह भी नोंद हुआ है प्रशासन की ओर से किया गया, तब भीड़ होने तक प्रशासन कहा गया, यह प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से अभी सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज जिले में 2 दिन के लिए सब्जी चिकन मार्केट बंद कर दिया है, तब उसका अवधि और बढ़ाया जाए, इस प्रकार का मत सामान्य लोगों का है। जिला बंदी में सख्ती की जाए, अभी कई लोग जिले की सीमा लांग रहे हैं। जीवन आवश्यक वस्तु की गाड़ियां अन्य कोरोना ग्रस्त जिलों से आ रही है, तब उसकी विशेष जांच की जाए, अभी लोग रास्ते पे नजर आते हैं उन पर भी सख्ती की जाए, सभी जगह सख्ती से पेश आना चाहिए। जिले के सभी स्वास्थ्य से निगरित प्रश्न है, तब कोई सख्त कदम भी जिला प्रशासन लेती है तो जनता भी सहयोग करेगी, अब तक भी जनता द्वारा सहयोग दिया गया है। वर्धा जिले में अब सख्त कदम उठाना आवश्यक हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से एक भी अगर गलती होती है तो प्रशासन पर दबाव बढ़ जाएगा और सरदर्द भी बढ़ जाएगा, तब इस कोरोना मुक्त जिले को संभालना एक बड़ा कर्तव्य जिला प्रशासन का है। हिंगनगाड़ से रवि एनोडकर की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज के लिए।